हेलो सलाम नमस्ते यू गाइस। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक परफेक्ट वैलेंटाइन डे लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है फ्रॉम अमेज़ॉन। मैंने अमेज़ॉन से वो फुल आउटफिट ऑर्डर किया है एंड देन आई हैव क्रिएटेड अ परफेक्ट वैलेंटाइन डे लुक। ये जो लुक है उस टाइप की गर्ल्स के लिए भी एक परफेक्ट लुक है जो कि यू नो शॉर्ट क्लोथ्स पहनना कम्फर्टेबल फील नहीं करते हैं एंड देन स्टिल यू वॉन्ट टू लुक क्लासी एंड स्टाइलिश। मुझे एक लुक क्रिएट करना था सो मैंने सोचा कि एक ऐसा आउटफिट स्टाइल किया जाए जो परफेक्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ गर्ल्स हो। ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है नो डे टाइम डेट को ध्यान में रखकर किया है। अगर आपको यू नो नाइट में डेट पर जाना है या फिर आपको नाइट पार्टी करनी है तो आप इसके साथ यू नो एड ऑन कर सकते हो एक क्लासी जैकेट, फर जैकेट हो या लेदर जैकेट हो, इवन डेनिम जैकेट भी इसके साथ काफी अच्छा लगने वाला है। आपने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, नो डिफरेंट स्टाइलिंग वीडियोज करती हूँ एंड लाइफ स्टाइल एंड ब्यूटी वीडियोज भी शेयर करती हूँ, उससे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो या फिर आउट फॉर दैट डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लोथिंग। सो क्लोथिंग में जो फर्स्ट आइटम मैंने ऑर्डर किया है दिस इज दिस टॉप। सो दिस इज अ परफेक्ट वाइन कलर टॉप जो कि यू नो एल्बो स्लीव तक है एंड देन इसमें यू नो पफ स्लीव है इसका। सो इससे इसका लुक काफी प्रिटी आता है। यहाँ पे टाई अप दिया हुआ है तो इसे आप यू नो टाइट कर सकते हो और खींच कर और क्रॉप कर और टॉप के साइज को क्रॉप कर सकते हो। ये जो फिनिश है ये सैटिन फिनिश है तो ये काफी प्रिटी लगता है। अगर आप डेट पे जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो तो सैटिन लुक बहुत ही क्लास और शीक लगता है। सो या मैंने इस वैलेंटाइन डे लुक के लिए इस टॉप को प्रीफर किया है एंड दिस इज रियली चीप यू गाइस। आई थिंक 500-600 के अराउंड मुझे मिल गया था। मैं लिंक डाल दूंगी सारे आइटम्स का जो भी मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, सबका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विंटर के लिए भी ये काफी अच्छा है, इसमें थोड़ा यू नो वार्म फील होगा आपको, डे टाइम में आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम जो मैंने ऑर्डर किया है दिस इज दिस ग्रीन सैटिन स्कर्ट जो कि मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। आप देख सकते हो ये एमराल्ड ग्रीन है, आई गेस इज अ मिडी लेंथ स्कर्ट और बहुत ही प्रीटी स्कर्ट है यू गाइस। और इसका जो ये आप पूरा देख सकते हो इसमें बहुत ही प्यारा शाइन है और ये सैटिन फिनिश में है तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इस टॉप के साथ आप देख सकते हो गाइस दिस इज गोइंग सो वेल। पूरी तरीके से स्टाइल करके मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी ताकि आपको यू नो ट्राई ऑन में पता चल जाए कि ये कैसा लगता है देखने में। दिस इज फ्रॉम ब्रांड अपटाउन और इसकी प्राइस भी ज्यादा नहीं थी, अराउंड 800-900 आई गेस था प्राइस इसका। जब आप इन दोनों को साथ में स्टाइल करते हो दिस लुक सो क्लासी। साइड में जिप दी हुई है एंड देन यहाँ पे हुक दिया हुआ है, सिक्योर रहेगा सो डोंट वरी अबाउट एनी वार्डरोब मालफंक्शनिंग। मूविंग ऑन टू एक्सेसरीज, मैंने ये इयररिंग्स ऑर्डर किए हैं टू पेयर अप विद दिस आउटफिट एंड दिस इज सो प्रिटी यू गाइस। आप देख सकते हो इसका डिजाइन भी काफी यूनिक है। इयररिंग्स पर चले जाएंगे, अगर आपके पास earrings then you can style with this also. This is going perfectly with this outfit. इस टाइप की earrings generally you know काफी सारे outfit में चले जाते हैं, so this is one of the versatile pieces. So I thought of ordering this one. और इसके अंदर आप देख सकते हो ये golden cage है and इसके अंदर पे pearl है। These earrings are from Jewels Galaxy. So इस earring के साथ मैंने neck piece भी order किया है, that is also from Jewels Galaxy. So Jewels Galaxy के accessories generally इस टाइप के डब्बे में आते हैं। So, मैंने नेक पीस जो ऑर्डर किया है वो 3 लेयर का नेक पीस है। सो 1 मैंने ऑलरेडी वेयर कर रखा है। दिस इज अ यू नो बटरफ्लाई, स्मॉल बटरफ्लाई का लॉकेट है इसमें एंड देन गोल्डन, दिस इज गोल्डन इन कलर एंड 1 लेयर इज दिस वन। ये जो है चेन डिजाइन में है जो कि आपका यू नो ऐसे करके लग जाता है। सो दिस इज अ चोकर, ये जो है यू नो चोकर डिजाइन में आएगा। तो लेयर है दिस इज दिस वन। सो ये भी इसमें भी बटरफ्लाई है बट देन दिस इसमें जो है आप देख सकते तो छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं जो कि शाइन करते हैं। तो ये आपका यू नो यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। ये बटरफ्लाई नेक पीस का सेट मुझे काफी पसंद आया था, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। प्राइस इज सो चीप, 200 रुपीज है विच इज सो रीजनेबल प्राइस्ड। तो अगर आपके पास इस टाइप के नेक पीस नहीं है देन डेफिनेटली यू शुड बाय दिस वन। मैंने इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी शेयर किया था एंड आप लोगों को बहुत ही पसंद आया। हाथ में यू नो अगर आपके पास कोई गोल्डन बैंगल है या ब्रेसलेट है तो आप स्टाइल कर सकते हो। स्टाइल विथ माई सिंपल गोल्डन वॉच। तो बैग जो मैं इसके साथ स्टाइल करने वाली हूँ दिस इज अ ब्लैक वेलवेट बैग। सो दिस इज यू नो स्मॉल स्लिंग बैग फ्रॉम
तीनों परोस, ये भी मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किया है। डेट पे जाओ या फिर आप पार्टी पे जाओ तो इस टाइप के बैग काफी प्रिटी एंड स्टाइलिश लगते हैं। इसके साथ अंदर में आपको स्लिंग भी मिल जाता है और आप इसे हाथ में भी ऐसे कैरी कर सकते हो। सो ये जो है दिस इज रियली सिंपल, अंदर में कोई ऐसे कंपार्टमेंट नहीं है, बस एक चेन दिया हुआ है। साइज इज ऑल्सो रियली परफेक्ट, बहुत बल्की नहीं है और आपको कैरी करने में भी काफी ईज होती है। सो नाउ इसके साथ आप यू नो कोई भी यू नो हाई हील्स या फिर किटन हील्स हो गए, पंप हील्स हो गए, आप इसके साथ स्टाइल कर सकते हो। इवन यू कैन गो फॉर बूट्स ऑल्सो। सो आई एम स्टाइलिंग दिस विथ माई ब्लैक हील्स। और इसके साथ अगर आप हील्स पे कंफर्टेबल नहीं हो देन आप ब्लैक बेलीज भी पहन सकते हो, वो भी काफी अच्छा लगेगा देखने में। इसके साथ आप यू नो गोल्डन हील्स भी स्टाइल कर सकते हो। आई एम गोइंग फॉर ब्लैक हील्स। शूज के लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बार में, डिपेंड ऑन द प्राइस कैटेगरी, लाइक अंडर 500, अंडर 1000, अंडर 2000, ताकि अगर आप लोगों को बाय करना हो देन यू कैन गो थ्रू दैट रिकमेंडेशन। लेट्स मूव ऑन द ट्राई ऑन पार्ट और लेट्स सी कि ये जो पूरा मैंने यू नो कम्बाइन करके सारे एक्सेसरी शूज एंड बैग्स के साथ जो पूरा स्टाइल किया है, ये देखने में कैसा लगता है सेक्शन में बताना कि ये लुक आपको कैसा लगा। तो या लेट्स मूव ऑन द ट्राई ऑन पार्ट। This look is looking really pretty, like classy, chic, stylish girl. That's it for today's video. I'll meet you guys in my next video. Bye.